आज हम बात करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स पॉइंट हैं जो शायद आपको पता नहीं होंगे। इंच इंच पॉइंट है, कितने कितने पॉइंट, कितने वेट के बराबर, कितने ग्राम या कितने किलोग्राम के इक्वल होता है, सारे पॉइंट्स इसमें दिए हुए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट एंड डायमेंशंस पहला आता है फिजिकल क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच कैन मेजर्ड बाई एन इंस्ट्रूमेंट एंड बाई मीन्स ऑफ विच वी कैन डिस्क्राइब्स द लॉज ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ड्राइव्ड क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सेवन फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। डेफिनेशंस ऑन सब इंपॉर्टेंट ऐसा यूनिट्स पर मीटर कितने कितने मतलब, तो जूम करके सारे इसमें देख लेना आपके डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाले डेफिनेशन शायद फर्स्ट ईयर इंटर में तो आती आती हैं, लेकिन उसमें कंपटीशन में भी इसमें पूछ लेते हैं कि जैसे 9192631770 किस टाइम पीरियड्स किसके मतलब इक्वल होता है, 1 सेकेंड के, या सारे कुछ पूछ लेते हैं कि 1 सेकेंड मतलब सीजीएम कितने एटम्स होते हैं उसमें सीजीएम के, और सारे बहुत कुछ पूछता है इसमें से किलोग्राम, ऐसे इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि मैंने देखे हैं, कैल्विन वाला भी देखा है मैंने, मोल वाला भी देखा है, कैंडला वाला भी देखा है, और इसमें ये सेकंड वाला भी देखा है और मीटर वाला भी है। तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ध्यान से देख लेना इसे जूम करके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमारी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ऐसे ही क्वेश्चन में भी आते हैं बीच बीच में, लेकिन अलग से इनका कोई क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन के बीच में इसमें मतलब यूनिट्स चेंज करनी होती तो हम बीच में फंस जाते हैं। तो इसे भी ध्यान से देख लेना, कैरेट कितने के किलोग्राम के बराबर होता है, पॉइंट कितने किलोग्राम के इक्वल होता है, ऐसी एटमोसफियर, ये सारे देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं। अब आते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज विद यूनिट्स एंड सिंबल एंड डायमेंशन फार्मूला। इसे भी आप जूम करके देख सकते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, ये तो आने ही आने चाहिए सबके लिए, आते हैं मैक्सिमम बच्चों को। ये डायमेंशंस के कुछ रूल हैं वो आपको सब पता होंगे, 12th क्लास में सब पता होंगे आपको। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस एनालिसिस ये भी पता होंगे, सब नहीं पता तो जूम करके देख लेना। बस इतना ही चैप्टर है हमारा, बेसिक मैथमेटिक्स। अगले पार्ट्स में हम आपको बताएंगे मैथमेटिक्स के बारे में, बेसिक जो है जो फिजिक्स में यूज होता है, मतलब सीबीएसई बोर्ड में होता है, लेकिन शायद यूपी बोर्ड में नहीं है बेसिक मैथमेटिक्स, लेकिन सीबीएसई में है, तो लेकिन कॉम्पिटिशन में तो होता ही होता है, तो इसलिए हम अगले अगली वीडियो में हम इसके बारे में सब सारे कुछ बताएंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना, कमेंट्स करना, और कुछ भी पूछना हो तो हमें कमेंट्स में पूछ सकते हो, और हमारी वीडियो को शेयर करना जिससे कि दूसरे लोग भी इस ट्रिक्स के बारे में, इन ट्रिकों के बारे में, इन पॉइंट्स के बारे में जान सकें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।